गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ये बहुत ही सिंपल येट सेक्सी सा रक्षाबंधन मेकअप लुक। मैंने बहुत ही अफोर्डेबल और कम प्रोडक्ट्स को यूज़ करके ये लुक क्रिएट किया है। इसका जो आउटकम आया है वो मुझे बहुत ही पसंद आया है। आप इस लुक को किसी भी फेस्टिवल पे वेयर कर सकते हो। वैसे भी फेस्टिवल्स का सीज़न तो अब शुरू हुआ है, तो आप किसी भी फेस्टिवल पे इसे वेयर कर सकते हो। ये उतना ही अच्छा लगेगा, आपको बहुत पसंद आएगा आई एम श्योर। और जहाँ भी आप इसे वेयर करके जाओगे ना, आपको सिर्फ तारीफें ही तारीफें मिलेंगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर पसंद आता है आपको वीडियो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस कर दीजिएगा, जिससे ऐसे ही वीडियोज़ जब भी मैं अपलोड करूँ अपने चैनल पर तो उसका अपडेट आपको मिल जाए। और मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये लुक आपको कैसा लगा। तो सबसे पहले मैं अपने फेस को हाइड्रेट करूंगी। मैं यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स का रोज इल्यूमिनेटिंग फेस मिस्ट। इसका जो सेंट है वो मुझे बहुत पसंद है और इंस्टेंटली ये मेरी स्किन को और मेरे माइंड को रिफ्रेश कर देता है। नेक्स्ट, आई मेकअप स्टार्ट करने से पहले मैं एक बेस क्रिएट करूंगी, जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन फिट मी कंसीलर। ये मेरा फेवरेट कंसीलर है और वेट एंड वाइल्ड वाला कंसीलर भी मुझे बहुत पसंद है इक्वली। और इसका जो टेक्सचर है वो बहुत ही स्मूथ है, इजली ब्लेंड हो जाता है और कवरेज भी अच्छा खासा ये आपको प्रोवाइड करता है। अब एक ब्लेंडर की हेल्प से इसे ब्लेंड कर लूँगी। फ्रेंड्स, जब भी हम कोई आई मेकअप करते हैं तो हमें एक बेस हमेशा क्रिएट करना चाहिए। जो भी इम्परफेक्शंस होती हैं वो हाइड हो जाती हैं और साथ ही साथ हमें एक स्मूथ कैनवस मिलता है वर्क करने के लिए। और जो भी शेडो या जो भी कलर हम अपने आईज़ पे अप्लाई करते हैं ना मेकअप के वक्त, वो एकदम इंस्टेंटली ब्राइटन अप होकर दिखता है और ज़्यादा पिगमेंटेड होकर दिखता है। नेक्स्ट पे मेबेलिन फ्रेश कॉम्पैक्ट यूज़ करके कंसीलर को सेट कर लूँगी। मैं यूज़ कर रही हूँ एलन ब्लू काजल पेंसिल। ये मुझे ग्लैमिको बॉक्स में मिली थी और मैं इसकी डाई हार्ट फैन हूँ। इसका जो पिगमेंटेशन है आप देख सकते हो कितना इंटेंस है। इसका जो टेक्सचर है वो बटरी स्मूथ है और बटरी स्मूथ होने के साथ साथ जब मैं इसे ब्लेंड करती हूँ ना तो एकदम मक्खन जैसा ये ब्लेंड होता है, तो मुझे बहुत पसंद है। और इसे मैं अपनी हाफ आईलेट पे लगाऊंगी, क्रीज लाइन को क्रॉस नहीं करूंगी, क्रीज के अंदर रहते हुए इसे अप्लाई करूंगी। जैसे मोटा लाइनर अप्लाई करते हैं उसी तरह से अप्लाई करूंगी। बहुत ज़्यादा परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम इसे अभी स्मज करेंगे। एक ब्रश की हेल्प से इसे स्मज आउट कर लूँगी। मैंने ये पेंसिल टिप ब्रश लिया है, इससे मुझे जितनी ज़रूरत है जितनी जगह पे स्मज करना है बस ये उतना ही स्मज होगा। बहुत फ्लफ़ी ब्रश नहीं लेंगे वरना वो क्रीज लाइन को क्रॉस कर जाएगा स्मज करते वक्त, तो इसीलिए पेंसिल टिप ब्रश का यूज़ करके मैं इसे स्मज कर रही हूँ। और बहुत ईजली ये स्मज हो जाता है, बट अगर आप इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हो ना तो फिर एकदम से वो स्टिक हो जाता है आपकी आईज़ पर और टच से मस नहीं होता है। वाटर प्रूफ है, स्मज प्रूफ काजल है। लगाने के तुरंत बाद आपको इसे स्मज करना होता है। नेक्स्ट, मैं अपने हिलारी रोडा पैलेट में से ये रॉयल ब्लू, इंटेंस रॉयल ब्लू शेड लेके स्मज आउट करूँगी, जिससे एक स्मोकीनेस सी लगे मेरी आईज़ पे। सिमिलर शेड है तो इसे अब ब्रश पे लेके और अपनी क्रीज एरिया में स्मज आउट करूँगी। नेक्स्ट, मैं अपने मेकअप रेवोल्यूशन रिडम्पशन पैलेट में से ये न्यूड सा चॉकलेट शेड लेके ब्लेंड कर लूँगी अपनी क्रीज एरिया में। मैंने जो भी शेडोज़ मैंने लगाए हैं वो आपस में मिक्स हो जाएं। नेक्स्ट, सेम पैलेट में से एक ब्लैक शेड, कम्प्लीटली ब्लैक नहीं बट ग्रेश ब्लैक शेड लेके अपनी सिर्फ क्रीज पे अप्लाई करूँगी, जिससे मेरी आईज़ को थोड़ी सी डेप्थ मिल जाए। सेम काजल पेंसिल की हेल्प से अपनी लोअर लैश लाइन को कवर करूंगी। हाफ लोअर लैश लाइन पर अप्लाई करूंगी, पूरे लैश लाइन में नहीं अप्लाई करूंगी। उसके बाद इसे भी स्मज कर लूंगी। स्मज आउट करने से आंखें थोड़ी सी बड़ी लगेगी, ऐसा इल्यूजन मिलेगा कि आपकी आईज़ थोड़ी सी और ओपन अप होकर दिखेगी। फ्लफी ब्रश पर ब्लू आई शेडो लूँगी और उसे अपनी लोअर लैश लाइन पर स्मज कर लूँगी, जिससे जो भी काजल और लाइनर मैंने लगाया था वो अच्छे से आपस में ब्लेंड हो जाए। मेकअप के लिए मैं पहले अपने फेस को प्राइम करूंगी, जिसके लिए मैंने यूज़ किया है ब्लू हेवन प्राइमर। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइमर है ये। नेक्स्ट, मैं फाउंडेशन के लिए मेबेलिन फिट मी फाउंडेशन ले रही हूँ और यहाँ पे मुझसे थोड़ा सा ज़्यादा गिर गया था, तो इसे मैं अपने फेस पे अप्लाई करूँगी एक स्पॉन्ज की हेल्प से। मैं यूज़ कर रही हूँ प्यूना स्टोर का मेकअप ब्लेंडिंग स्पॉन्ज। बहुत ही अच्छा स्पॉन्ज है। जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए हैं सबका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा।
और इसका कवरेज बहुत अच्छा मिलता है, मीडियम टू हाई कवरेज देता है ये फाउंडेशन और एकदम सेकेंड स्किन जैसा फील होता है, ऐसा लगता ही नहीं है कि मैंने कुछ लगाया है। बहुत ही लाइट वेटेड है, हैवी नहीं फील होता है स्किन पे और ये ऑक्सीडाइज भी नहीं होता है। कंसीलर के लिए मैंने यूज़ किया है फिटमी का ही कंसीलर, ये भी मेरा फेवरेट कंसीलर है वेट एंड वाइल्ड के साथ साथ, ये भी मुझे बहुत पसंद है। बटरी स्मूथ का टेक्सचर है, इजिली ब्लेंड होता है और हल्का सा हाइलाइटेड इफेक्ट देता है, वेट एंड वाइल्ड जितना तो नहीं देता है बट स्टिल जिस एरिया में इसको आप लगाओगे तो वो एरिया थोड़ा सा ब्राइटन अप हो जाता है। और डिज़ायर्ड एरियाज़ पे लगा के इसे भी ब्लेंड कर लूँगी। मैं अपने अंडर आई एरिया को बेक करूँगी, मैं लूज़ पाउडर नहीं यूज़ कर रही हूँ, मैं कॉम्पैक्ट लेके, क्योंकि कम से कम प्रोडक्ट को यूज़ करके मैंने ये मेकअप लुक मुझे क्रिएट करना था, तो मैं सेम कॉम्पैक्ट की हेल्प से बेक करूँगी आईज़ को। और जब तक मेरा फेस जो है बेक हो रहा है तब तक मैं अपनी ब्राउज़ कम्प्लीट कर लूँगी। ब्राउ को फिल करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ म्यूज़िक फ्लावर का जेल आई लाइनर पॉट इन द शेड ब्लैक, और ये सूख चुका है अभी तो मैं इसे एज अ ब्रो पोमेड यूज़ करती हूँ। ये भी एक तरह से हैक है कि अगर आपका जेल आई लाइनर सूख गया है, ड्राई आउट हो गया है और आप उसे फेंकने की सोच रहे हैं तो आप इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं और बहुत अच्छा इसका जो रिज़ल्ट है वो मिलता है। तो यहाँ पे मैंने अपनी ब्राउज कम्प्लीट कर ली और अब जो भी कॉम्पैक्ट मैंने लगाया था उसे डस्ट ऑफ कर लूँगी और ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से फेस पे। ब्लशर के लिए मैं हिलारी रोडा पैलेट में से एक ब्लशर शेड ले रही हूँ, ऑरेंजिश पिंक या पीचिश शेड है ये, उसे मैं अप्लाई कर रही हूँ अपने चीक्स पे। अब अपनी आईज़ के इनर कॉर्नर्स पे मैं अप्लाई कर रही हूँ NYBA काजल पेंसिल, ये सिल्वर कलर में मैं इसे लगा रही हूँ क्योंकि मेरी ड्रेस आप देख सकते हैं वाइट एंड ब्लू के कॉम्बिनेशन में है, तो उसी कलर को मैं यूज़ करते हुए अपना आई मेकअप कर रही हूँ। और काफ़ी पिगमेंटेड है ये काजल पेंसिल, बहुत हल्का सा ही लगाने पे अच्छा खासा पिगमेंट मिल जाता है और मुझे ये 68 या 69 रुपीज़ अराउंड की पड़ी। पॉन्च टिप ब्रश की हेल्प से इसे भी मैं पैट पैट करके अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। लिपस्टिक के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ NYBA की लिक्विड लिपस्टिक। अगेन ये लिपस्टिक बहुत ही ज़्यादा बजट फ्रेंडली है, काफ़ी अफोर्डेबल है और पिगमेंटेशन भी बहुत अच्छा है, कम्प्लीटली मैट लिपस्टिक है और मुझे इसका शेड बहुत पसंद है। जितने भी कलर्स हैं इसके, मैंने कुछ टाइम पहले अभी इसका एक लिप स्वॉच भी किया था, उसको मैं आई बटन पे उस वीडियो का लिंक डाल दूंगी। और हाइलाइटर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन का हाइलाइटर इन द शेड शैम्पेन, ये मेरा फेवरेट हाइलाइटर है। डिज़ायर्ड एरियाज़ को हाईलाइट करूँगी क्योंकि ये डे टाइम मेकअप है तो बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं करूँगी, बस हल्का हल्का सा, एक कहते हैं ना हल्की सी शीन मिल जाए फेस को, तो वैसा वाला मैं हाईलाइट करूँगी जिससे विद इन वाला ग्लो आ जाए। और ये मेरा कंप्लीट होता है रक्षाबंधन मेकअप लुक। आप रक्षाबंधन पे इसे वेयर करो, आप किसी भी फेस्टिवल पे वेयर करो, किसी भी ओकेजन पे वेयर करो, बहुत ही बेहतरीन लगने वाला है, हर जगह से आपको तारीफ़ें मिलेंगी। और आई होप कि आपको पसंद आया होगा, तो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। क्या लगा? सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन टेक केयर एंड बी ब्यूटिफुल, बाय बाय।